वालदे के रवैयों में औलाद के लिए जो नरमी होती है उस नरमी की वजह से अमूमी तौर तो पे जो लाड होता है प्यार होता है वो फिर इंसान की तबीयत का हिस्सा बन जाता है और औलाद जब बड़ी भी हो जाती है तो वो वालदे को उसी तरह से ट्रीट करती है जबकि उसको ये समझना चाहिए कि अल्लाह रसूल के बाद अगर सबसे फाइक हक किसी के हैं तो वो वालदेन के और इनकी नाराज़गी अल्लाह की नाराजगी है और इनकी रजा अल्लाह की रजा है इनको खुश कर देना अल्लाह को राज़ी कर देने के मुतराद है और इनको नाराज़ करना अल्लाह को नाराज़ करने के मुतरदफ है और ये बात जहन में रखिएगा कि अगर वालदेन राजी नहीं हैं तो रब भी राजी नहीं है अल्लाह की रजा नसीब ही नहीं हो सकती आपके अमल आपकी मेहनतें आपके सजदे और आपकी इबादतें रियासतें चिल्ला कशियाँ ये कुछ काम नहीं आती अगर वालदे राजी ना हो तो वालदे को राज़ी रखने की हमारे दीन ने हमें तल्कन फरमाई की और ये भी आपको मैं बताऊँ कि कुछ अमाल ऐसे हैं कि जिनकी जजा और सजा आखरत में देखना होगी लेकिन कुछ अमाल ऐसे हैं जिनकी जजा और सजा दुनिया में भी बंदा देख के जाता है उनमें से एक वाले की फर्मा बरदारी है जो वालदे का फर्मा बरदार हो आप उसकी पगड़ी का कल्स कभी नीचा होते नहीं देखेंगे और वो गुना जिसकी सजा आखरत में तो है ही है दुनिया में भी जरूर मिलती है वो वालदे की नाफरमानी है उस शख्स पे निशान लगा लें जो माँ बाप का बेअदब और गुस्ताख हो आप उसको दुनिया पर भी रसवा होता पाएंगे दुनिया पर भी वो सरखुरु नहीं हो सकेगा दुनिया के ऊपर जितने लोग भी सरखुरु हुए हैं कामयाब हुए हैं चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो काफिर हैं आप अगर उनकी तारीख़ पढ़ें तो आपको नज़र आएगा कि उनके पीछे उनके वालदे की दुआएं हैं अगर वालदे की दुआएं नसीब हैं तो इंसान सरखुरु होता है और अगर वालदे की दुआएं हासिल नहीं हो पाती तो मेहनतें भी इंसान की अकालत चली जाती हैं तो ये वो नेकी है ये वो अमल है कि जिसका सिला दुनिया में भी और आखिरत में भी मिलता है और ये बदअमली वालदेन की नाफरमानी ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा दुनिया में तो है ही है आख़िरत में भी और दुनिया में दोनों में उसको जो है वो हासिल करना पड़ती है वालदे नेकोकार हों साल हों पाकिज़ा अमल हों तो उनकी तो इज्जत औलाद करेगी ही करेगी वालदे बुरे ही क्यों ना हों या वाले बहुत गुनागार हैं शराबी हैं और बदकार हैं और आमाले बद हैं तो उनकी तोहन नहीं की जाएगी और इस बद आमाली की वजह से उनके लिए दुआ खैर की जाएगी हत्या के वाले काफिर भी हों तो उनका कुफर अपनी जगह पर लेकिन औलाद उन काफिर वालदेन की भी तोहन नहीं करेगी उनके साथ वो वह हुसन सलूक करेगी वालदेन होने के नाते से और नेकोकार हों साले हों तो फिर उनके तो हकूक़ और ज़्यादा आयद हो जाते हैं तो माँ बाप के साथ हमें हुसन सलूक करने की तलकिन की गई है अच्छा यहाँ औलाद के लिए कभी मसला बन जाता है माँ कुछ और कह रही होती है और बाप कुछ और कह रहा होता है अब औलाद किसकी अतात करे माँ का हुक्म अलग होता है और बाप का हुक्म उससे मुख्तलफ होता है दोनों के हुक्मों को साथ लेकर औलाद नहीं चल पाती अब क्या करें ओलामा तो ने लिखा कि पहले तो मां बाप को ही चाहिए कि औलाद को मुशक्कत में ना डाले कि ऐसा हुक्म दे कि औलाद फंस जाए कि माँ की बात मानूँ या बाप की बात मानू एक की अतात से दूसरे की नाफरमानी लाजम आती हो तो बड़ा मुश्किल मरहला हो जाता है तो वालदेन को इतना ख्याल और इतना लिहाज रखना चाहिए कि उनको मुशक्कत में ना डाले ऐसा हुक्म ना दें जो वो बजा ना ला सके जो उनके लिए पूरा करना मुश्किल हो और बिलखसूस माँ बाप की लड़ाई के अंदर औलाद जो है वो पिस के रह जाती है माँ की बात मानी तो बाप नाराज बाप की बात मानी तो माँ नाराज तो इसमें एक तो वालदेन को ही चाहिए लेकिन कभी औलाद फंस जाए तो मसला शरी सुन लीजिए वो ये है कि घर का हाकिम जो है वो मर्द है तो अगर माँ और बाप दोनों के अहकाम आपस में टकरा रहे हों तो हुक्म मुकदम होगा बाप का तो औलाद के जुम्मे बाप के हुक्म को मानना जरूरी है लेकिन ख़िदमत में मुकदम होगी माँ जब बाहर से बच्चा आता है तो खाने के लिए या कोई चीज या रात को टांगे दबाने बैठता है तो ख़िदमत में मुकदम माँ होगी लेकिन हुक्म की तामील में मुकदम बाप होगा तो शरीय इस्लामिया ने हमें ये हुक्म दिया चूंकि खिदमत में ये जो हदीस मैंने आपके सामने रखी है तो सिबा ने हजूर से जब पूछा कि हमारे हुसन सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तक कौन है तो फरमाया उम्मा का तेरी माँ फिर कहा सुम्मा मन फिर कौन तो फिर फरमाया उम्मा का तेरी माँ फिर तीसरी मरतबा पूछा तो फरमाया तेरी माँ और चौथी मरतबा फरमाया अबा का तेरा बाप तो इस एतबार से खिदमत में माँ मुकदम है लेकिन तामील हुक्कम में बाप मुकदम है तो बाप और माँ ये अल्लाह की रहमतों के दो रूप हैं अल्लाह ने बाप के सीने के अंदर भी एक औलाद के लिए मोहब्बत का जहाँ आबाद किया है और माँ की ममता और माँ का प्यार और माँ की उल्फत ये तो एक कायनात ही अलग है